हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बैरियर रीफ इरप हो गई है इन कलर एज कोरल स्पॉन। पूरी खबर जानेंगे क्या है क्या नहीं। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप जानते हैं कोरल रीफ पे किस तरह से खतरा मंडराता रहता है। तो साइंटिस्ट ने देखा भाई जल्दी अभी ही देखा ट्यूसडे को कि कोरल्स फर्टिलाइजिंग बिलियंस ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय कास्टिंग स्पर्म एंड एग्स इनटू द पैसिफिक ओशन ऑफ द क्वींसलैंड स्टेट कोस्टल सिटी ऑफ कैरेंस। तो ये आपने देखा कि भाई उन्होंने रिकॉर्ड करा कि कोरल जो है फर्टिलाइज करें बिलियंस ऑफ ऑफस्प्रिंग को स्पर्म्स और एग्स के थ्रू, और ये जो इवेंट है ये 2 या 3 दिनों तक के लिए लास्ट करता है। द स्पॉनिंग इवेंट लास्ट फॉर 2 or 3 days। तो सारी बातें जानेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। स्पॉन का मतलब यही होता है, स्पॉन का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना। बट थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं आगे जाने से पहले। देखिए यहाँ सेव ऑन कॉम्बो जो अनअकैडमी का है ये 30th of November को खत्म हो रहा है, मतलब आज। अब आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है यूज करके मेरा कोड सिर्फ आईएस। इसमें देखिए आपको 25% ऑफ मिलता है विद ऑप्शनल, 10% मिलता है व्हेन यू यूज माय कोड सिर्फ आईएस, और फ्लैट 2500 का ऑफ आपको मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ 30th of November तक। उसके साथ आपको 3 month का फ्री एक्सटेंशन भी मिलता है जब आप 1 year या उससे अबव प्लस जीएस या प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो। ये ऑफर भी 30th of November तक है। देखिए बहुत सारे बैचेस तो स्टार्ट हो ही चुके हैं ऑप्शनल के नवंबर में, और 1st of December से यहाँ पे यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं नए जो 2022 से 2023 के एस्पिरेंट के लिए होने वाले हैं। देखिए इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के अंदर पढ़ाएंगे, प्रॉपर शेड्यूलिंग में पढ़ाएंगे, और आपको मिलती है फ्री टेस्ट सीरीज, और इसके साथ आपको मिलता है 20 बुक्स जो कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कुछ फायदे हैं जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, लाइव मेंटरिंग, स्टडी मटेरियल, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, और ऐसा काफी कुछ जो आपको ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं कहीं पे मिलेगा। बहुत ही कम पैसों में है, तुरंत सब्सक्राइब करिए। बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड सिर्फ IAS टू गेट द 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए जो नेटवर्क है ये 2500 रीफ का, जिसमें करीब 3,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मतलब अच्छा खासा, मतलब 1,34,000 स्क्वायर माइल्स है ये। तो ये बुरी तरह से सफर कर रहा है कोरल ब्लीचिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि जो कॉज हुई है बाय अनयूजुअली वार्म ओशन टेम्परेचर की वजह से। अब आप देखते हैं ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी लास्ट ईयर भी 2016-17 में भी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा कोरल ब्लीचिंग हुई। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, देखने के लिए वहां पे सब लोग बहुत आते हैं, लेकिन जो ब्लीचिंग है इसने डैमेज पता है कितना कर दिया, 2/3 ऑफ द कोरल को कर दिया है डैमेज। गैरेथ फिलिप्स एक मरीन साइंटिस्ट है विद रीफ ट्रेच टीच, एक टूरिज्म एंड एजुकेशनल बिजनेस, ये यहाँ पे स्टडी कर रहे थे ना ये जो स्पॉनिंग को, मैंने बताया इसका मतलब क्या है स्पॉनिंग को, एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और देख रहे थे कि भाई कैसे मॉनिटर टू मॉनिटर द रीफ हेल्थ। तो इन्होंने यहाँ पे ये देखा कि इट इज ग्रेटिफाइंग टू सी द रीफ गिव बर्थ, फिलिप्स इन अ स्टेटमेंट इन द वेंसडे इन्होंने ये बात कही कि इट्स स्ट्रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन दैट इट्स इकोलॉजिकल फंक्शंस आर इंटैक्ट एंड वर्किंग आफ्टर बीइंग अ रिकवरी फेज फॉर मोर देन 18 months। तो ये चीज देखने को यहाँ पे मिली। अच्छा तो रीफ हैज गॉन थ्रू इट्स ओन ट्रबल्स लाइक वी ऑल हैव बट इट कैन स्टिल रिस्पॉन्ड। इनका ये कहना क्या था कि भाई रीफ भी जैसे हमारी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आई हैं, इसने भी बहुत सारी मुसीबतें झेली हैं ना, लेकिन तभी भी अभी भी रिस्पॉन्स कर रही है, और यही हमें एक होप देता है, एक उम्मीद देता है। आई थिंक कि हम सबको इस पर फोकस करना चाहिए कि हम किस तरीके से भाई इस पैंडमिक से निकले हैं, और जिस तरह से हम वैसे ही हम इस रीफ को भी बचा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरी बात इसकी करी। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑन अन अकेडमी by using my code SIRFIS। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।